नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू की बात करें तो यहां पर कई परियोजनाएं इस समय चल रही हैं और इनमें से एक परियोजना जम्मू स्मार्ट सिटी की हवा मानसून की पहली बारिश में निकलते हुए सबने देखी कि किस प्रकार से जम्मू शहर के हालात केवल एक बारी बारिश के अंदर हो चुके थे। इस नेगेटिव न्यूज के बाद कहीं ना कहीं हर किसी को ये लगने लगा है कि जम्मू में फिलहाल कुछ भी जो है वो सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं हो रहा है और इसलिए आज ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि आपको नेगेटिव या आप ये कहें कि नकारात्मक सोच रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जम्मू में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसका कि कल हमने डेमो देखा, जिस प्रोजेक्ट का हमने नमूना देखा पहली बारिश में, वो अगर पूरी तरह से सफल नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि शहर में कुछ और अच्छा नहीं हो रहा। और अगर आप शहर की बात करेंगे तो रोड नेटवर्क जो है वो जम्मू में इस समय जो बिछाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वो बहुत बेहतरीन है। और विशेष करके अगर आप जम्मू कठुआ जो हाईवे की बात करेंगे तो वहाँ पर इस समय जो काम है वो काफ़ी रफ्तार से चल रहा है। फ्लाईओवर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और कुछ स्ट्रेच तो ऐसे हैं जहां पर कि फ्लाईओवर का लगभग निर्माण जो है वो हो भी चुका है। सड़क जो है वो काफी चौड़ी की गई है ताकि 3 लेन 4 लेन जो है वो सड़क नीचे हो और कई जगह पर उसी सड़क के ऊपर जो फ्लाईओवर डिजाइन किया गया है उसने उस सड़क की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा दिया है। यानी कि आने वाले अगर 2 से 3 वर्षों की बात कर ले, जिस वक्त ये हाईवे का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाएगा जिसमें कि एक एक्सप्रेस वे भी है, तो जम्मू के पास रोड कनेक्टिविटी सबसे बेहतर होगी। और इसी हाईवे पर आपको एम्स भी मिलेगा क्योंकि एम्स में आप ओपीडी सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। तो नेगेटिव जो आपने न्यूज़ देखी स्मार्ट सिटी को लेकर और जिसके बाद आप शायद कुछ नकारात्मक हुए होंगे कि इतना इंतज़ार किया और एक बारिश ने जो है वो हवा निकाल दी, तो आपको नेगेटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी पर भी जो अधिकारी हैं वो पुनः विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स जिनकी ज़रूरत है वो की जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की परियोजनाएं चल रही हैं जो कि सक्सेसफुल होती हुई दिख रही हैं उन पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है ताकि आप कुछ सकारात्मक भी रहें। तो जम्मू से लेकर कठुआ तक का ये जो सड़क का काम चल रहा है ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम खुद एम्स गए थे और एम्स में तो आप जानते हैं कि वहाँ पर ओपीडी सर्विसेज शुरू हुई और एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी जम्मू सूबे के लिए। जम्मू सूबा ही क्यों, अगर पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो सभी के लिए एम्स जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा, जाहिर सी बात है। और इसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ साथ आप ये भी देखिए कि एम्स पहुंचने के लिए आपको जो रास्ता मिलेगा वो इतना सुगम होगा कि आप महज 15 से 20 मिनटों में जम्मू से सीधा एम्स पहुंच जाएंगे। और सड़क पर जो काम लगा हुआ है, जो फ्लाईओवर के पिलर्स पोल्स बनाए जा रहे हैं उनका काम लगभग पूरा हो चुका है और कई जगह जैसे मैंने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण का काम लगभग संपन्न है, यानी कि फ्लाईओवर भी बिछा दिए गए हैं और इतना बेहतरीन काम हो रहा है ऐसा लगता है कि आप जम्मू में नहीं हैं, आप दिल्ली के किसी रोड पर जा रहे हैं या किसी दूसरे राज्य की किसी ऐसे सड़क पर है जो कि टूरिज्म का आकर्षण है। तो नेगेटिव जो खबर आपने देखी कल उस खबर से थोड़ा बाहर आकर आज हम आपको ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी हैं और इन पॉजिटिव चीज़ों में क्योंकि एम्स की खबर हमने आपको पहले दिखाई थी, तो दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आपका जम्मू से कठुआ जो रोड नेटवर्क है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो प्रोजेक्ट है वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ आगे निकल रहा है। कुंजवानी से सतवारी का जो फ्लाईओवर का काम है जिसको लेकर नई बस्ती में कुछ विवाद था वो भी हल हो चुका है। ये फ्लाईओवर का काम भी जल्द पूरा हो सकता है, इस पर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। और अगर आप सांबा विजयपुर की आगे की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो सड़क चौड़ीकरण का काम है वो लगभग संपन्न है। तो कुल मिलाकर जो रोड नेटवर्क है जो जम्मू कश्मीर में बिछाया जा रहा है, डोडा के छत्रगला की बात करें जो वहां से अब एक हाईवे निकलेगा उसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, तो
रोड नेटवर्क के लिए तो जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से खासकर जम्मू सूबे में काम हुआ है वो काबिले तारीफ है, और विशेषकर जम्मू से कठुआ की जो सड़क है जो उसका निर्माण कार्य चल रहा है वो बहुत रफ्तार के साथ चल रहा है, अपनी कामयाबी के और अग्रसर है, और उम्मीद है कि जल्द ये प्रोजेक्ट जो है ये संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आप लोगों को जो है वो सुगम सड़क मार्ग जो है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रिंग रोड की बात करेंगे तो उसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है, और रिंग रोड जैसा कि आप विजयपुर से आप अखनूर तक जाएं जो कि स्ट्रेच जिस पर अभी गाड़ियां चलती हैं, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। तो चंडीगढ़ जैसी सड़क का अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं तो आप रिंग रोड पर जाएं, या थोड़ा सा और इंतजार कर लें, जम्मू से कठुआ का हाईवे भी आपको वैसा मिलेगा। दिल्ली जैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं थोड़ा सा और इंतजार कर लें, क्योंकि सड़क का जो काम चल रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है, और प्रोजेक्ट आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से पिलर्स लगभग बन चुके हैं और सड़क का काम भी हो चुका है, सड़क चौड़ीकरण का काम हो चुका है। तो नेगेटिव खबर देखने के बाद निराशाजनक जो है वो आप अपनी जो नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में गई एक बारिश के बाद, स्मार्ट सिटी के दावे एक्सपोज होने के बाद, उससे थोड़ा बाहर आइए और कुछ पॉजिटिव चीजें देखिए कि आपके शहर में अगर एक प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का तो उस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन बाकी के प्रोजेक्ट खासकर रोड कनेक्टिविटी जिससे कि समय बचेगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, वो बहुत बेहतरीन चल रहा है, और आने वाले कुछ वर्षों में जो डेडलाइन दी गई है अगर उसी के अंदर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जम्मू वासियों के लिए एक और बड़ी सौगात होगी। और साथ ही साथ एम्स का खुलना जो है वो स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो है वो एक और बड़ी अचीवमेंट जो है वो जम्मू के लोगों के लिए हुई है। तो ये एक खबर थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ साझा करूं, कि आप स्मार्ट सिटी वाली खबर से जरूर आप कुछ नेगेटिव सोच आप में आई होगी, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके शहर में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बेहतरीन हो रहा है, और आने वाले सालों में जब संपन्न होगा तो एक अलग ही तस्वीर आप सबके सामने होगी। नमस्कार।